हर हर महादेव दोस्तों, आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है हिमाचल फुल नॉलेज पे। तो जैसे कि हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे थे, तो आज हम G20 के बारे में जानेंगे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस बार की G20 की समिट कहाँ हो रही है, ये भारत में हो रही है, अलग अलग समिट्स। ठीक है, जैसे कि अभी सितंबर में दिल्ली में है G20 की समिट, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो G20 में सबसे पहले तो आपको याद रखना कितने देश हैं इसमें। है 19 देश हैं, प्लस एक क्या है, यूरोपियन यूनियन। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और क्या काम होता है G20 का, तो इट वर्क टू एड्रेस मेजर इश्यूज, इट वर्क टू एड्रेस मेजर इश्यूज रिलेटेड टू ग्लोबल इकोनॉमी सच एज इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है और ये ध्यान रखना है कब ये फाउंडेड हुआ था, कब बना था ये। तो ये बना था 26 सितंबर 1999 में, वर्ल्ड कप भी हुआ था तो उस टाइम ये G20 भी बना था। और आपको ध्यान रखना है कि 2023 में कौन सी कंट्री कर रही है होस्ट, तो इंडिया कर रही है। और 2024 में कौन सी करेगी, तो ये करेगी ब्राज़ील। 2025 में कौन सी करेगी, तो ये करेगी साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। कई बार ऐसे पूछ लेता है कि 2024 में कौन कर रहा है। और बाकी अब आपको ये पता होना चाहिए कि G20 में कौन कौन सी कंट्री है, तो ये कौन कौन सी 19 देश हैं। तो ये है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूरोपियन यूनियन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी 19 कंट्रीज है और एक यूरोपियन यूनियन। और इस पर इनवाइटीज कौन, ये कंट्रीज हैं जो जिनको इनवाइटीज का वो दिया हुआ है, जिन्हें बुलाते हैं देश में, तो इस पर कौन कौन सी इनवाइटीज कंट्रीज हैं। तो ये है बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशियस, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई। ये जो है, ये कंट्रीज जो है, ये जो है इनवाइटीज है। ठीक है, ये कंट्रीज अलग 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 हर बार अलग अलग होती हैं, जैसे अलग अलग इनवाइट करते हैं अपने देश में, तो इन्हें इनवाइटीज का दर्जा दिया हुआ है। तो ये छोटी सी वीडियो थी G20 के ऊपर। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू, धन्यवाद।